तो एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मुझे एक ड्रेस पसंद आ गया जो कि फरियाल मखदूम ने पहना था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत वाइब्रेंट सा कलर था। तो मैंने उस पेज को किया मैसेज और जब मैंने प्राइस पूछी तो वो तो मेरे औकात से बाहर थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोकल मार्केट से ये ड्रेस रिक्रिएट किया जाए। फिर मैं निकल पड़ी लिबर्टी मार्केट की तरफ और वहाँ एक शॉप से मैंने ये कपड़ा ख़रीदा, साथ इसके ट्राउज़र और लाइनिंग का कपड़ा ख़रीदा और इसको करवाया कलर। और कलर करवाने के बाद इसकी शर्ट का कपड़ा कुछ यूँ नज़र आ रहा था। अब मुझे चाहिए थे अपनी शर्ट और दुपट्टे पे लगाने के लिए कुछ टसल्स और मार्केट जाने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो मैंने ऑनलाइन एक वेबसाइट से टसल मैच किए और ऑर्डर कर दिए। अब बारी थी स्टिचिंग की, लेकिन लाहौर में तो टेलर्स बहुत ज़्यादा स्टिचिंग लेते हैं और मैं बेसिकली कसूर से हूँ, तो मैंने वहीं से एक टेलर से स्टिचिंग करवाई। स्टिचिंग के बाद मेरी शर्ट कुछ यूँ नज़र आ रही थी। डिज़ाइनर ड्रेस पे बहुत बड़े बड़े सर्कल थे, लेकिन मुझे ये छोटे सर्कल वाला फैब्रिक ज़्यादा पसंद आया था तो इसलिए मैंने ये परचेज़ किया। करीब से भी आप ये फैब्रिक देख सकते हैं कि कितना प्यारा है। और ये फैब्रिक लिबर्टी मार्केट में हर जगह अवेलेबल है और आपको इजीली मिल जाएगा। बाकी आपकी बार्गेनिंग स्किल पे है कि आप किस रेट में ये फैब्रिक लेके आते हैं। शर्ट और दुपट्टा मैंने इकट्ठे परचेज़ किया था, लेकिन लाइनिंग और ट्राउज़र मैंने सेपरेट परचेज़ किया। शर्ट के घेरे पे ये टसल थे जो बाय चांस मुझे ऑनलाइन बहुत रिजनेबल प्राइस में और बिल्कुल मैचिंग मिल गए थे और जो शर्ट को बड़ी एलिगेंट सी लुक दे रहे थे। ये रहा उस डिज़ाइनर ड्रेस जैसा सेम दुपट्टा, इसको मैंने सेम वैसा ही डीप रेड कलर करवाया था। दुपट्टे पे लाइंस वाला डिज़ाइन भी बिल्कुल उस डिज़ाइनर ड्रेस जैसा था। ये आप क्लोज से भी फैब्रिक देख सकते हैं, लिबर्टी मार्केट में ये इजीली अवेलेबल है। वाइट कलर का ये फैब्रिक मिलता है और आपको कलर खुद करवाना पड़ता है। ये मैंने अपने दुपट्टे के पलुओं पर टसल लगवाए थे और ये भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किए थे। ये मैंने अपने ड्रेस के साथ प्लाजो बनवाया था और ज़्यादातर एथनिक के बुटीक कलेक्शन के ड्रेसेस के साथ इस तरह के खुले प्लाजो बहुत ट्रेंड में है। तो मैं इस ड्रेस को ज़रा सिंपल और एलिगेंट रखना चाह रही थी, तो इस वजह से मैंने सिंपल ट्राउज़र बनवाया। ये रहा शर्ट और दुपट्टा इकट्ठे और आप देख सकते हैं कि ये दोनों कलर्स एक दूसरे को कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे है डिज़ाइनर ड्रेस जो कि 1 लाख से ज़्यादा का था और राइट साइड पे है लिबर्टी मार्केट से रिक्रिएट किया गया हुआ ड्रेस। ये ड्रेस मुझे पहना हुआ कुछ इस तरह का लग रहा था। अब आते हैं प्राइस की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको इन फ्यूचर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग के बाद मुझे ये शर्ट और दुपट्टे का फैब्रिक मिला 6500 का और ट्रसल्स मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए 1200 के और लाइनिंग और ट्राउज़र का फैब्रिक मुझे मिला 3000 का और 2200 की मुझे स्टिचिंग पड़ी और कलर करवाया मैंने 1400 का। तो फाइनल प्राइस है 14,300 रुपीज़। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लाजमी पूछें, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स ऐड करूँगी इंशाल्लाह। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।